भाग्यश्री दो दशक बाद स्क्रीन पर लौट आएंगे। दो राज्यों की तेलुगु रीमेक में रेवती का हिस्सा खेलने के लिए मैंने प्यार किया अभिनेत्री 1998 में सलमान खान की 1989 फिल्म मैंने प्यार किया से अभिनेत्री भाग्यश्री को याद करते हैं। उन्होंने 1997 में फिल्म ओमकाम के साथ अपना तेलुगु अभिनय किया था, जिसे अभिनेता उपेंद्र ने निर्देशित किया था। दो दशक बाद वह अर्जुन कपूर और आलिया भट्ट की दो राज्यों की तेलुगु रीमेक के साथ वापसी करने के लिए तैयार हैं, जो चेतन भगत द्वारा बेस्ट पिकने वाले उपन्यास पर आधारित थी। डेब्यूटेंट वेंकट रेड्डी इस परियोजना का निर्देशन करेंगे, जो लोकप्रिय तेलुगु अभिनेता राजशेखर और जीवित की बेटी आदिवी शेष और शिवानी के साथ रहेंगे। फर्स्ट पोस्ट के साथ एक विशेष बातचीत में वेंकट ने इस परियोजना के बारे में खुलासा किया और कैसे भाग्यश्री में रस्सी के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि हमारे पास कई विकल्प थे, हम भाग्यश्री के लिए गए क्योंकि हम एक नए चेहरे की तलाश में थे जो पूरी तरह से अपरिचित नहीं थे। हम उस चरित्र को खेलने के लिए एक नियमित अभिनेता नहीं चाहते थे। भाग्यश्री ऐसा कोई है जो इस चरित्र में ताजा दिख सकता है और साथ ही उसके कद के लिए आराम से धन्यवाद खींच सकता है। जब मैंने उससे संपर्क किया और चरित्र को खड़ा किया तो वह तुरंत इस अवसर पर कूद गई क्योंकि वह वास्तव में किताब पसंद करती थी। वेंकट ने कहा, भाग्यश्री को मूल से रेवती के चरित्र का निबंधन देखा जाएगा, वह शिवानी की माँ को खेलेंगे। हमने तेलुगु संवेदनशीलता के अनुरूप कहानी में बदलाव किए हैं, यह फ्रेम टू फ्रेम रीमेक नहीं होने वाला है। यह फिल्म शिवानी के शुभारंभ को दर्शाती है, जिसे आलिया की भूमिका निभाई जाएगी। परियोजना के लिए शिवानी मिरासी के बारे में बात करते हुए वेंकट ने कहा, हम एक बड़ी नायिका नहीं चाहते थे क्योंकि यह इस परियोजना के संबंध में मेरी मदद नहीं कर रहा था। मैं अतीत में एक पार्टी में शिवानी से मुलाकात की थी और मुझे वास्तव में यह पसंद आया कि वह खुद कैसी थी। मैं उसे अपने चरित्र में देख सकता था। जब मैंने उसके साथ एक स्क्रीन टेस्ट किया तो मुझे यकीन था कि वह इस भूमिका को करने के लिए तैयार थी। यह उसके बारे में आश्चर्यजनक है कि सुपरस्टार की बेटी होने के बावजूद वह इस परियोजना का हिस्सा बनने पर सहमत हुए हैं। यह साबित करता है कि वह सब कुछ के लिए खुली है और एक परिचित पथ पर चलने के लिए भी उत्सुक नहीं है। वेंकट ने यह भी पुष्टि की कि फिल्म में अनूप रुबिन्स और लोकप्रिय सेलिब्रिटी डिजाइनर अश्विन मावेल संगीत देंगे, पूरी फिल्म को शैली देंगे। यह फिल्म आधिकारिक तौर पर 24 मार्च को शुरू होगी। मैं अब बहुत अधिक प्रकट नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं आश्वस्त कर सकता हूं कि कलाकारों को कई आश्चर्यों से भरे हुए हैं। उन्होंने कहा, उनके नायक आदित्येश प्रस्तुति का ढेर लगाना शायद तेलुगु उद्योग में एकमात्र अभिनेता है जो वास्तव में एक नए निर्देशक को समझता है और समर्थन करता है। परियोजना के भाग के बारे में रोमांचित शेष ने फर्स्ट पोस्ट को बताया, मुझे वक्त की तरह कहानी का इलाज करने की योजना है। दो राज्यों और बद्रीनाथ की दो हुलिया दो हिंदी फिल्मों में से हैं जिन्हें मुझे पिछले 5 सालों में पसंद आया था। इसके अलावा मैं वास्तव में रोमांटिक शैली के लिए नहीं जानता, इसलिए मैंने सोचा कि यह प्रयास करने के लिए एक अच्छी जगह है। एक अभिनेता के रूप में मैं करने के लिए नई चीजों को खोजना चाहता हूं और यह बिल्कुल अलग है जो मैं तलाश रहा था। फिल्म शेष को एक तेलुगु लड़के के रूप में देखा जाएगा जो उत्तर भारत की लड़की के लिए ऊंची एड़ी के झुंड पर सिर गिर रहा है। मुंह देखने के बाद शेष कहते हैं कि वे रीमेक पेपरियो बनाने की कोशिश करेंगे। जब तेलुगु दर्शकों ने दो राज्यों को देखा तो उन्हें थोड़ा धीमा मिला। टोन को बनाए रखने और मूल की भावनाओं को बनाए रखते हुए हम उम्मीद करते हैं कि रीमेक एप्रीपियर बने। इससे
मेरा मतलब यह नहीं कि अनावश्यक कॉमेडी को जोड़ना में जिस तरह से फिल्म प्रस्तुत किया जाएगा के बारे मैं बात कर रहा हूँ। यह एक शहरी रोमकॉम होगा, लेकिन मूल की तुलना में थोड़ा बड़ा होगा। कृष्णम और गुच्चार्य पर काम करने वाले लेंसमैन शाइनल देव कैमरे को क्रैंक करेंगे। यह एक बहुत ही युवा टीम है, हम सब बहुत उत्साहित हैं।